शब्द नहीं सुनेंगे आपके मुंह से। नंदू बुलेट राजा, कसम लुगाई का मामला है, दोनों को निपटने दो। किस बात का इतना घमंड है प्रीति जी आपको? हाँ, 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 आप याद है जब हमने आपको अपनाया था तब हकलाती थी आप। उस मोहित के साथ पूरे शहर में बदनाम हो चुकी थी। कैसी कैसी बातें करते थे लोग आपके बारे में, भूल गई? वो दोबारा कहने में भी शर्म आती है हमें प्रीति जी। बताइए तो किस बात का घमंड है आपको? खैर छोड़ दीजिए, शादी से पहले जो हुआ सो हुआ। हमारी शादी के बाद क्या किया आपने? हमारे होते हुए किसी और मर्द के साथ घूम रही थी आप। जानते थे प्रीति जी अपना प्यार ढूंढने के लिए आप घर से बाहर जरूर जाएंगे, क्योंकि हमें तो आप अपना मानती ही नहीं है। इससे पहले कि आपको कोई और मिल जाए, हम ही खुद लकी बन के आपके सामने आ गए ताकि घर की इज्जत बची रहे। बहुत दुख होता है प्रीति जी ये सब कहते हो, पर आपको हमारे प्यार की भाषा समझ में ही नहीं आई कभी। उल्टा आपको लगता है कि आप हम पे एहसान करिए। अरे एहसान तो हम आप पे कर रहे हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी प्यार करते हैं आपसे प्रीति जी। कमियां हर इंसान में होती है, रिश्तों में कमियां नहीं देखी जाती, प्यार देखा जाता है। ये सब बातें अगर आप समझ जाती तो और क्या चाहिए था हमें। आप हमारे साथ चलेंगी, उस घर में रहेंगी, जैसे भी रखेंगे आपको खुश रखेंगे।